रामू, अरे जी मार्किन, कहाँ हो? आओ तो सही इधर। बोलिए मालकिन। रामू, तुम क्या करते रहते हो? कुछ नहीं मालकिन, बस काम करके आया हूँ अभी। हाँ, मुझे भी तुमसे एक काम करवाना है। बस मालकिन, सारे काम कर दिए मैंने, बर्तन, झाड़ू, पोछे, कपड़े, सब कुछ हो गया है और मैं जा रहा हूँ सोने। देखो, ये जो काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ ना, ये ना कुछ अलग है। और कौन सा काम है मालकिन? काम तो कर ही दिया है मैंने। ये वो काम है जो हर मर्द करना चाहता है और जिसे करने में बहुत मजा भी आता है। मतलब क्या है ये तो बता दो। हर मर्द की चाह होती है वो करने की, समझ जाओ। मेम साहब, समझ में आता तो अब तक मैं नौकर क्यों बना होता। आप थोड़ा खुल के बता दो मेम साहब। समझ में नहीं आ रहा? नहीं, आज हम ना, हमारा बड़ा मन है तुमसे ना, हम वो वाला काम करवाना चाहते हैं। वो वाला, हाँ। वो वाला। अब क्या हुआ, बोलो ना। मेम साहब, काम ही करवाना तो सिर्फ वो वाला करवाने के लिए बोला आपने। और कौन सा काम करवाऊँ? वो क्या, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। क्यों, कर सकते हो इसी तुम काम देखो ना, अपने आप को देखो, तुम्हारी बॉडी देखो, तुम्हारी डोली देखो। अब मुझे ना, तुम्हें देख के ना, तुम काम तो कर रहे होते तुम, बस मैं क्या बताऊँ, बस आज बोल रही हूँ पर मैं, मुझे ना अंदर से पता नहीं क्या होता है। मेम साहब, बस मैं ऊपर से दिखने में ही हूँ जो हूँ। क्यों इतने हट्टे कट्टे तो? हाँ तो बस मैं ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन मेरी चीज हट्टी कट्टी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? इसी की वजह से तो मेरी बीवी भाग गई। मेम मतलब? साहब, जो काम करवाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है ना, वो चीज़ मेरी बहुत नाजुक हो गई है। नाजुक होगी? मतलब कैसे, तुमने ज्यादा काम कर लिया है क्या? वही समझ लो, कहीं दीवार में भिड़ गई थी। अच्छा, हाँ, तो तुम कुछ नहीं कर सकते? छलक के कहीं और लग गया था तो निशान आ गया है, तो इस वजह से बस उसी का इलाज चल रहा है। ओ, तुमने तो मोड़ की ऐसी तैसी कर दी, सब सारा मोड़ खराब हो गया मेरे तो मैम साहब, और कोई काम हो तो वही बता दो, ये छोड़ के। को। हाँ, है ना काम? जाओ जाओ, काम करो तुम। तुमने सब मोड़ वैसे भी ऐसी तैसी कर दी, मेरा कितना मन था आज। सर कोई नहीं मैम साहब, जिस तुम दिन तो ठीक हो खाली। जाऊंगा ना उस दिन बताऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, अब पता नहीं तुम कब ठीक होगे, मूड तो अभी कर रहा था ना। कोई नहीं, कभी तो हो जाऊंगा, मुझे भी नहीं पता मैं ठीक कब होऊंगा। ठीक है मैम साहब, मैं सोने जा रहा हाँ, तभी हूँ। तो भाग गई तुम्हारी घर वाली ने छोड़ के। ठीक पहले ध्यान रख लेते ना अपने पप्पू का, तो तुम्हें चोट नहीं लगती, तो वो भी नहीं भागती। है मैम साहब, क्या करूँ, आप जैसे थे कोई मालकिन। बस अच्छा, ठीक है, तुम जाओ काम करो। ऐसे मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है मैम साहब। अच्छा खासा मूड बना हुआ था।